शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा के कई रूप हैं, जिनके दर्शन के लिए नवरात्रि में माता के मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। संगम नगरी में माँ का एक ऐसा शक्तिपीठ भी है जिसमें माँ की कोई भी मूर्ति यहाँ स्थापित नहीं है और ना ही माँ की किसी मूर्ति की यहाँ पूजा होती है। अलोप शंकरी देवी नाम से मशहूर इस मंदिर में एक पालने की पूजा होती है, जिसके साथ माँ के अंगों के लोप हो जाने का धार्मिक महत्व जुड़ा है। मान्यता है कि यहाँ शिव प्रिया सती के दाहिने हाथ का पंजा गिरकर अदृश्य हो गया था। इसी वजह से इस सिद्ध पीठ को अलोप शंकरी नाम देकर यहाँ प्रतीक के रूप में एक पालना रख दिया गया। मान्यता ये भी है कि यहाँ हाथों और पैरों में रक्षा सूत्र बांधकर मांगने वालों की हर कामना पूरी होती है और हाथ में धागा बंधे रहने तक अलोप देवी उनकी रक्षा करती हैं। मंदिर का महत्व यह है कि मतलब राजा दक्ष प्रजापति का जो है वहाँ यज्ञ हुआ था, तो राजा यज्ञ में जो है माता पार्वती जी का उन्होंने मतलब महादेव जी का जो है उन्होंने अपमान किया था, तो उस अपमान में जो है माता पार्वती जी को सहन नहीं हुआ, तो माता पार्वती जो है यज्ञ कुंड में कूद गई थी। तो जहाँ उनका शरीर फिर जब शंकर जी क्रोध में आ गए तो शंकर जी फिर उनको लेकर के चल दिए, तो जहाँ जहाँ लेकर गए वहाँ उनका अंग गिरा, तो उसी जगह पर 51 शक्तिपीठ बना, उसमें से ये जो है माता जी का यहाँ दायां हाथ का पंजा गिरा है। यहाँ श्रद्धालु मूर्ति की जगह इसी पालने का दर्शन करते हैं और इसकी पूजा करते हैं। इसी पालने में देवी का स्वरूप देखकर उनसे सुख समृद्धि और वैभव का आशीर्वाद लेते हैं। हालांकि इस मंदिर से कई मान्यताएं जुड़ी हैं। ये अलोपी मंदिर एक शक्तिपीठ है जहाँ पे दूर दूर से लोग दर्शन करने आते हैं और यहाँ पे कोई मूर्ति नहीं जिसकी पूजा की जाए, पालने की माँ के रूप में पूजा की जाती है और जो भी यहाँ पूजा करता है, जो भी श्रद्धा से आता है, उसकी हर मनोकामना माँ पूरा करती है। माँ जो है दुख हरने वाली होती है और जो दुख और कष्ट है इसके लिए हम लोग आते हैं कि दुख और कष्ट को हरेंगी। पुराणों में वर्णित कथा के मुताबिक भगवान विष्णु ने जब सुदर्शन चक्र से शिवप्रिया सती के शरीर के टुकड़े किए, तभी प्रयागराज में इस जगह पर देवी के दाहिने हाथ का पंजा कुंड में जाकर गिर गया और अदृश्य हो गया। आस्था के इस अनूठे केंद्र में लोग कुंड से जल लेकर उसे पालने में चढ़ाते हैं और परिक्रमा कर देवी से आशीर्वाद लेते हैं। ये मंदिर हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्व रखता है। यहाँ पे जो भी मुराद मांगी जाती है वो मुराद पूरी होती है, मन को शांति मिलती है। जो भी आपके मन में है उसको अगर सच्चे लगन से, अगर माता जी से, हृदय से आप बोलते हैं तो चीजें पूरी होती है। सिद्ध पीठ अलोप शंकरी मंदिर में पालने की पूजा के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। मान्यता है कि श्रद्धालु सच्चे मन से जो भी कामना करते हैं, देवी माँ दाहिने हाथ से उसे आशीर्वाद देकर उनके मन की मुरादें पूरी करती हैं। यहाँ नारियल और चुनरी के साथ जल और सिंदूर चढ़ाने की भी परंपरा है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।